सिर्फ 20 से 30 मिनट का काम और आप हजारों रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 20 से 30 मिनट का काम। तो आपने क्या करना है और आप ये कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपको सिर्फ एक सिंपल गाइड की ज़रूरत है और आप भी ये काम कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले ये है कि आपके पास एक पीसी होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। अगर आपके पास एक मोबाइल भी है, एक स्मार्टफोन है, तो आप ये काम कर सकते हैं। तो इस वक्त पीसी की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि फेसबुक लॉगिन है, और फेसबुक से आप किस तरह अर्निंग कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। तो इस वक्त पीसी की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमने एक पेज ओपन किया है जिसके 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं स्टार्टअप पाकिस्तान के नाम से। ये एक एग्जाम्पल है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस पेज पर देखें कि किस तरह से काम हो रहा है और कितना सिंपल काम है ये। आप भी ये कर सकते हैं। ये सिंपल एक न्यूज़ देते हैं जो न्यूज़ पाकिस्तान में इन है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी कंडक्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ अबाबील मिसाइल। एक फॉन्ट और पीछे एक पिक्चर, बस सिर्फ काम ये है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड ही वर्क कर रहे हैं और ये न्यूज़ पर काम कर रहे हैं। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अर्निंग किस तरह कर रहे हैं, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ देखें, सबसे पहले तो ये अर्निंग जो है वो कर रहे हैं ब्लॉगिंग से अर्निंग कर रहे हैं। ये एक वेबसाइट है इनकी, अगर फेसबुक से ट्रैफिक उनकी वेबसाइट पर जाएगा तो उन्हें अर्निंग होगी, तो इसे कहते हैं बेसिकली ब्लॉगिंग। तो ये ब्लॉगिंग से अर्निंग कर रहे हैं। सबसे पहला मेथड जो है ये ब्लॉगिंग से कर रहे हैं। दूसरा मेथड जो है ये स्पॉन्सरशिप से कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्पॉन्सरशिप। तो आप यहाँ देखें कि ये स्पॉन्सरशिप से भी अर्निंग कर रहे हैं, जैसे कि फूड पांडा ने इन्हें स्पॉन्सर किया है अभी। तो आप यहां देख सकते हैं, एक ये ब्लॉगिंग से अर्निंग कर, दूसरा ये स्पॉन्सरशिप से अर्निंग कर रहे हैं। इसमें ये है कि अगर आप ऐसा चैनल बनाएंगे और पोस्टिंग करेंगे, और अगर आपका चैनल वायरल होता है, आपका चैनल ग्रो होता है, तो आपका चैनल ग्रो होने के बाद आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, आपको लोग कॉन्टैक्ट करेंगे, और ये एक पोस्ट का जो है 30 से 40 हज़ार लेते हैं। जी हाँ, तो ये देखें, ये एक चैनल है जो पाकिस्तान से रिलेटेड है और ये अर्निंग कर रहे हैं। इस वक्त न्यूज़ से रिलेटेड चैनल बना सकते हैं आप, मीम से रिलेटेड चैनल बना सकते हैं, इसके अलावा आप मोटिवेशन से रिलेटेड चैनल बना सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे एक चैनल है मीम से रिलेटेड जिसके 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो आप मीम से रिलेटेड भी अपना चैनल बना सकते हैं, आप उसके अलावा मोटिवेशन से रिलेटेड बना सकते हैं। इनकी भी अर्निंग का तरीका सेम है जैसे कि वो है। तो आप बेसिकली एक कैटेगरी चूज कीजिए, एक कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए और अपना वर्क जो है स्टार्ट कर दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कंटेंट कहाँ से लाना है, कंटेंट क्रिएट कहाँ से करना है। तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपने आ जाना है कैनवा पर। कैनवा पर आपने अपने कंटेंट को क्रिएट करना है, लेकिन जो पिक्चर्स हैं वो कहाँ से लानी है आपने, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कोई न्यूज़ अगर आप ले लें तो बीबीसी, अगर आप न्यूज़ पर काम करना चाहते हैं तो आपने कंटेंट अपना लाना है एक तो बीबीसी उर्दू, ये वेबसाइट है बीबीसी उर्दू के नाम से। यहाँ से आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लाइव आप यहाँ देख सकते हैं, ये न्यूज़ एक लाइव चल रही है यहाँ पे। इसराइली दिफाई अफवाज के हमास के सैकड़ों ठिकानों पर हमले, गजा में यरगमाली। इसमें से किसी भी पिक्चर को आप डाउनलोड कर लें, जैसे कि यहाँ हमने एक पिक्चर सेव इमेज कर ली ये वाली। अब देखें यहाँ पे ये एक हेडिंग है, आपने क्या करना है, सिंपली इसको कॉपी करना है और आ जाना है गूगल पर, गूगल ट्रांसलेटर। गूगल ट्रांसलेटर पर आने के बाद आपने जो हेडिंग कॉपी की थी उसको यहाँ पर पेस्ट कर दें, और यहाँ पर उसने इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करके दे दी है आपकी हेडिंग। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप कैनवा पर आएँ। कैनवा पर आने के बाद आप अपना क्रिएट करें डिज़ाइन। क्रिएट डिज़ाइन करने के बाद आपने करना है अपलोड्स। अपलोड्स में जाना है आपने। अपलोड में जाने के बाद आपने अपलोड फाइल करनी है। अपलोड फाइल करने के बाद आपने जो पिक्चर डाउनलोड की थी उस पिक्चर को आपने अपलोड कर देना है कैनवा पर। पिक्चर अपलोड करने के बाद आपने वो पिक्चर कैनवा पर लानी है। तो पिक्चर को आपने सेट करना है अपने हिसाब से। तो फॉर द सेक ऑफ द वीडियो मैंने एक डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है। इस तरह का आप भी अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो आप जो है मुख्तलिफ पोस्ट बनाएं जो ट्रेंडिंग में न्यूज़ चल रही है, आप उस न्यूज़ से रिलेटेड अपने आर्टिकल्स बनाएं और अपलोड करें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर। तो फेसबुक पर अपलोड आपको किस तरीके से करना है मैं आपको बताता हूँ। फेसबुक पर आपने अपने आ जाना है अपने अकाउंट पर। अकाउंट पर आने के बाद आपने जाना है फेसबुक के होम पेज पर। आने के बाद आपने जाना है राइट टॉप राइट पर मेन्यू के आइकन पर, उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने आना है क्रिएट के ऑप्शन पर। क्रिएट के ऑप्शन पर आने के बाद आपने आना है पेज पर। पेज पर आने के बाद आपने अपने पेज को क्रिएट करना है, अगर आपका पेज नहीं बना हुआ तो। पेज क्रिएट, यहाँ पे आपने पेज अपने पेज का नाम लिखना है, कैटेगरी लिखनी है, जिस कैटेगरी से रिलेटेड आप पेज बना रहे हैं। न्यूज़ से रिलेटेड बना रहे हैं तो न्यूज़ लिखना है, मीम से रिलेटेड बना रहे हैं तो इंटरटेनमेंट लिखना है, और मोटिवेशन से रिलेटेड बनाना है तो आपने मोटिवेशन लिखना है।
उसके अलावा आपने बायो में लिखना है और क्रिएट कर देना है अपना पेज। पेज क्रिएट करने के बाद आपने उस पेज पर अपलोडिंग करनी है, और जिस दिन आपका पेज ग्रो कर गया, अगर आप रेगुलरली अपलोडिंग करेंगे तो विद इन अ मंथ आपका पेज ग्रो कर जाएगा। अगर आपका पेज ग्रो कर गया तो आपको भी स्पॉन्सरशिप आना शुरू हो जाएंगी, आपको भी सारी चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इंतज़ार मत कीजिए और स्टार्ट कीजिए आज से ही अपना काम। मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।